देश के कई राज्यों में भारी बारिश लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं उत्तर भारत के कुछ इलाकों में उमस भरी गर्मी का सितम अभी भी जारी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन इस बीच उमस भरी गर्मी की मार लोग अभी भी झेल रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश के बीच यूपी और बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही कई राज्यों की नदियां भी उफान पर है। असम में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। वहीं यूपी और बिहार के कई निचले इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे हफ्ते राजधानी में बादल छाए रहेंगे। बुधवार को हल्की, गुरुवार को मध्यम, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि लोग इस इंतजार में हैं कि कब इस उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। सोमवार को मौसम में एक बार फिर से तब्दीली आएगी और फिर से हो सकती है बारिश, जिससे तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी और ये 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हल्की बारिश के चलते पिछले दिनों दिल्ली के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रविवार के दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री था, सोमवार को 35.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में रविवार को 27.6 डिग्री तो सोमवार को 29 डिग्री रहा, जो कि यह सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 47 डिग्री जबकि न्यूनतम 25 से 37 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में बारिश पड़ सकती है, साथ ही मौसम विभाग की तरफ से बिजली गिरने की चेतावनी जारी है। यूपी में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, बरेली, मथुरा, हाथरस और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी जारी है। वहीं बिहार में भी मौसम में बदलाव होता दिख रहा है। बिहार के एक दो जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण बिहार के भी कई जिलों में वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में पहले से ही बारिश ने कहर ढा रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 17 और 18 जुलाई को प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क किया गया है, ताकि किसी भी जानमाल को नुकसान से बचा सके। उत्तराखंड में बारिश से भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन लोगों से पहाड़ों में गैर जरूरी करने से बचने की हिदायत भी लगातार जारी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी रहने के बीच यहां के मौसम कार्यालय ने सोमवार को येलो अलर्ट जारी करने के साथ सप्ताह के अंत में राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार 27 जून को मॉनसून के आगमन के बाद से अब तक राज्य के 177 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और वर्षा से संबंधित घटनाओं में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। आईएमडी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गंगीय पश्चिम बंगाल, रॉयल सीमा और तमिलनाडु में अगले 24 घंटे के अंदर हल्की बारिश संभव है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मंगलवार के लिए रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतार और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। केरल के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।